सामने से चोर आ रहे हैं। दो लोग थे, दो लोग, ओनली दो लोगों ने चोरी कर ली। यहाँ ये देखो, निकले कट्टे में सारा सामान भर लिया। सभी के लिए राम राम जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं अपनी गौशाला की तरफ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये देख लो दोस्तों, ये बछड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा किल्ली हो गई है, किल्ला हो गए हैं। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा भर गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा पूरा चूस लिया है, इस वजह से खून बिल्कुल चूस लिया है इसका, तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तो इसको आज दवाई वगैरह लगाएंगे। और हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि दोस्तों हमारे साथ एक ना एक दुर्घटना घटती जा रही है, वो आगे हम वीडियो में बताएंगे क्या हुआ है हमारे साथ। पहले तो यहाँ पे आग लग गई, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था पिछली वीडियो में, यहाँ आग लग गई, आंधी तूफान आया, सब कुछ उड़ गया। और उसके बाद फिर एक अचानक ही एक घटना हो गई जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए अब तक, तो वो आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो फिलहाल दोस्तों अभी इसको दवाई वगैरह लगानी है। और नीरज जी अभी देखो उधर भी किल्ली वगैरह हो गई हैं, तो उनको भी यहाँ पे किल्ली छुटा रही हैं, किल्ली छुटा रही हूँ, इसको भी हो गई, देखो इसको भी किल्ली हो गई, इसकी इसकी चपट के ना इसको हो गई, उसकी हो गई इसको, हैं वैसे नाती उसको भी हो गई क्या माही को? इसको साबुन लगा देना पहले, उसको धो, चलो उसकी मारो पहले। चलो तो चलिए दोस्तों, उसको पहले दवाई वगैरह लगाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे रीढ़ बारे में बताते हैं, पानी चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं वो बड़ी को लगाया होगा ना, छोटे उतरे लगाया है। तो दोस्तों दवाई लेकर आए हम, ये देखो किल्ली मार, तो इसको पहले पानी में 1 लीटर पानी में भरने को तो बोला है, 1 लीटर पानी में डालने बोला है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 2 घंटा इसको लगा के छोड़ना है ना, चाटे फाटे ना ये ना, चाटे का खुल नहीं रहा ये क्या बोल लगे उसी से काट लो। तो ये दोस्तों सीसी पूरी 1 लीटर पानी में डालनी है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर ही पानी है ना, चलो डाल। बड़ी गंदी बदबू है, किल्ली मार दवाई है ना, घोल लो इसमें। और ऐसे बोल, हाथ धोना से कर, लेकिन जैसा ना लग रहा ना, लग जैसन भी आ गई, देखो दवाई लगाएंगे इसको नंदू को, इसको किल्ली हो गई, बहुत ज्यादा कीड़ा हो गया मेरे, हाँ किसी लकड़ी में लपेट लो दोस्तों। तो दोस्तों कपड़े से लपेट के इसको लगाना है, हाथ से लगाएंगे तो ज्यादा बदबू आएगी हाथों में, सही कर लपेट लो, ऐसे यहीं लगा, देखो लात चला रहा है, लात कैसा लात चला रहा है, हर से तू लग रहे पता नहीं छूटेंगे नहीं छूटेंगे, 2 घंटा हम बता रहे हैं, 2 घंटा हम तो छूट जाएंगे अपने आप। जैसा लग रही है जैसा पीछे लगा, पीछे ज्यादा है हैं, अरे पी ना ले बहन से पानी, लात चला तो लात। अभी दोस्तों इसको हमने दवाई वगैरह लगा दी है, साबुन वगैरह लगा के, अब इसको 2 घंटे ऐसे ही बंद रहना है, उसके बाद 2 घंटे बाद नहलाएंगे, फिर शायद ये किल्ली मर जाए। और बोल तो रहा था डॉक्टर कि 2 घंटे बाद नहलाओगे तो सारी किल्ली नीचे गिर जाएंगी। तो नीरज जी ये देख लो, उसको छुटा रही हैं, उसको हाथों से छुटा रही हैं, उसको भी लगाएंगे अगर इसकी मर जाएंगी तो। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि इनकी छोटी बहन के यहाँ चोरी हो गई थी, तो हम वहाँ चले गए और अचानक ही हमें जाना पड़ा। और दरअसल क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई था नहीं, यानी कि जो उनकी बहन थी वो गांव चली गई थी, लगभग 7-8 दिन हो गए, तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था। तो ताला पड़ा हुआ था, फिर क्या हुआ कि किसी को पता नहीं, जासूस ने खबर दे दी चोरों को, पता नहीं क्या हो गया, रात में आए उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा और उसके बाद सारा सामान जो माल जेवर होता है वो सारा ले गए। और पता नहीं किस्मत जब ख़राब होती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है कहते हैं, बुद्धि ख़राब होती है सबसे पहले, तो वही उनकी बुद्धि ख़राब हो गई, 40-50 हज़ार रुपये लेकर आई
और बैंक से वो भी वहीं पे जमा कर दिए थे, यानी कि अंदर रख दिए थे कमरे में, और जो माल जेवर था वो भी ऐसे ही नहीं किसी को दिए और ना ही कहीं सुरक्षित जगह पे रखे, ऐसे ही छोड़ के चली गई और अचानक जल्दी चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ, रात में चोर आए, लगभग 3 बजे आए होंगे, 3:30 बजे, और उसके बाद ताला तोड़ कर मेन गेट का और ले गए। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं किस तरह से चोर आए और किस तरह से चोरी कर ली। तो यहाँ पे आप देख लो, पहले वीडियो ये देख लो दोस्तों, सामने से चोर आ रहे हैं, दो लोग थे, दो लोग, ओनली दो लोगों ने चोरी कर ली। यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने कैमरे के सामने आते ही मुंह छुपा लिया, एक मास्क पहना हुआ था और एक ने मुंह छुपा लिया। तो यहाँ पे ये पहली वीडियो, अब दूसरी वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जाते हुए ये दूसरे कैमरे की है, ये देख लो दोस्तों, अभी ये जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये मुड़ेंगे, जस्ट इधर को जाएंगे, तो ये देखो मुड़ गए, अभी ये मुड़ गए। तो यहाँ पर ही हमारी इनकी यानी कि सिस्टर थी, उनका घर था, तो यहाँ पर जाके इन्होंने चोरी कर ली। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जब ये जा रहे थे चोरी करके, वो यहाँ पे वीडियो सामने आया है। अब उनके घर पे तो कैमरा लगा नहीं था, ये दूसरे के घर पे कैमरा लगा था, तो वहाँ से ये कवर हुआ था सारा। तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पे इन्होंने ही चोरी की है और किसी ने चोरी नहीं की है। ये देखो, अभी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जाते हुए सामान लेकर, ये देखो निकले, कट्टे में सारा सामान भर लिया, और जो कैंटीन का सामान था, यानी कि फौजी हैं इनके घर वाले, यानी कि हमारे जो साड़ू हैं वो फौजी हैं, तो कैंटीन का सामान खाने पीने का रखे गए थे, वो भी सारा ले गए। तो कट्टे में भर के ले गए, यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा अभी, तो कट्टे में भर के ले गए। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा सामान इधर उधर करके रख दिया, ये देखो पूरा बेड पे, और ये पूरा जो कैंटीन का सामान था वो भी यहाँ से निकाल के ले गए। और ये देखो पूरी अलमारी में से सारा सामान, पूजा के पैसे थे, यानी कि जो पूजा के लिए निकाल के रखे थे, और उन्होंने जो जोड़ गाड़ के रखे थे 14-15 हज़ार रुपये, वो भी ले गए, और 40 हज़ार रुपये फीस जमा करने के लिए, स्कूल के बच्चे की फ़ीस जमा करने के लिए, इनका बच्चा बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, तो उसके लिए निकाल के रखे थे, वो भी सारे पैसे ले गए। और 2.5-3 लाख रुपये का जो माल जेवर होता, सोने की सामान वगैरह होता, वो भी रखा था, वो भी ले गए। तो इस वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो इसी वजह से हम लगभग 2-3 दिन वहीं पर रहे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सदमे में पहुँच गई वो, क्योंकि इनके जो पति हैं वो रहते नहीं हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, तो अकेले पड़ गई थी बहुत ज़्यादा ये। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अकेले हैं तो थोड़ा सा मन बहल जाएगा। इसी वजह से हम लगभग 3-4 दिन वहीं पर रहे, और इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना मूड ख़राब हो गया था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों बस यही ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बड़े परेशान हैं। कभी हमारे घर पर आग लग जाती है, कभी तूफान आने की वजह से सारा सामान उड़ जाता है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, और कभी चोरी हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो बस परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और इधर व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प करो हमारी, और कोशिश करो कि कुछ तो कामयाबी मिले हमारे लिए, और ये परेशानियों से दूर हों, तो प्रे करो आप। तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी आपको फिर हम वीडियो लगातार कंटिन्यू करेंगे और डालेंगे डेली, जो भी हमारा रूटीन है वो हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तो रोकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, हमारी परेशानी समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।